इन लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था IUPAC के लिए और किस तरह से किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं उसके लिए। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड विच यूज्ड इन नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे बेटा, दिस इज टेबल। इसमें फर्स्ट कॉलम होगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, एंड सेकंड कॉलम इज एल्क, सेकंड कॉलम इज एल्क। ओके, यहाँ पे देखेंगे अगर कार्बन नंबर वन है हमारे पास तो इसे हम क्या लिखते हैं, मीथ। क्या लिखेंगे बेटा, मैथ। कार्बन टू है दैट इज एथ, कार्बन थ्री है तो दैट इज प्रो, दैट इज प्रो। कार्बन फोर है दैट इज व्यूट, दैट इज व्यूट। एंड कार्बन फाइव इज पेंट, कार्बन फाइव इज पेंट। कार्बन सिक्स हैग्स, कार्बन सेवन हेप्ट, कार्बन एट ऑक्ट, कार्बन नाइन नॉन, कार्बन टेन डेक, कार्बन टेन डेक। क्लियर। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, ये नंबर ऑफ कार्बन होते हैं और ये उनके एल्क होते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग है तो देखिएगा, जैसे हमारे पास एग्जांपल है C2H6, एक और एग्जांपल है C4H4। तो इनका IUPAC नेम क्या होगा, व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देन फर्स्टली ड्रॉ अ स्ट्रक्चर, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एंड देयर इज एच। ये हो गए आपके एच हाइड्रोजन। क्लियर। तो अब आप देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, वन एंड टू। तो टू कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, एथ। टू के लिए क्या लिखते हैं, एथ। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या डिनोट करते हैं, एन। नेम क्या हो जाएगा, इथेन। नेम क्या हो जाएगा, इथेन। सेम अगर हम इसका बनाएंगे सी, चारों तरफ आपके क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, वन। वन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथ। और वन कार्बन के लिए हम मैथ लिखते हैं तो चारों तरफ हाइड्रो, कार्बन में अब तो कोई और है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कोई अकेले नहीं, क्योंकि कार्बन अकेला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। क्लियर। ओके,